किसी ने मुझसे पूछा भाई तुम कितने मैच्योर हो, मैंने कहा भाई पिज्जा बर्गर खाते समय उनकी फोटो खींच के अपनी स्टोरी पे नहीं डालता। हे व्हाट इज अप गाइस, तो कैसे जा रहे हो? आज की वीडियो में बड़ी बेहतर लगी, आप प्लीज सर वीडियो पूरी देखना। आपके लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर मैंने शॉट खींचे हैं, एंड जो सारे भी जितने मैं फोटो दिखाने वाला हूँ ये सारे मैंने खुद ने क्लिक किए हैं, तो प्लीज़ यार वीडियो पूरी देख लेना, एंड उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप वीडियो पूरी देख लोगे मुझे लगेगा यार जो मैंने मेहनत की है वो मेरी बहुत गई, मतलब कि जो मैंने किया वो उसका मुझे फल मिल गया है ना। प्लीज़ यार वीडियो पूरी देखना, तो चलो वीडियो में घुस लेते हैं। सबसे पहले आपकी एक बात क्लियर कर दूं मैं, अगर आपके पास आज की जनरेशन का मोबाइल है तो आपकी जो फोटोग्राफी है आपकी जो फोटोज़ हैं और बढ़िया आने वाली हैं। वो कैसे? जिस मोबाइल से मैंने फोटो क्लिक किए हैं वो मोबाइल 2018 में आया था, सैमसंग गैलेक्सी A6 प्लस है, एंड उसका जो HDR सीरीज भी काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है उस टाइम के हिसाब से। एंड अगर आज की जनरेशन का मोबाइल है, अगर आपने अभी 2020 में 2019 के लास्ट में लिया है, तो आपका जो आपके मोबाइल में HDR मिलेगा वो और बढ़िया मिलेगा, क्योंकि अब इतना इंप्रूव हो चुके हैं HDR, अब इतनी तगड़ी डायनेमिक रेंज कैप्चर करते हैं जो शायद पहले के जो मोबाइल थे वो नहीं कर पाते थे। बट मेरा जो मोबाइल है 2018 में लॉन्च हुआ था, उसके बाद भी काफ़ी अच्छी डायनेमिक रेंज कैप्चर कर लेता है, तो आपका जो मोबाइल है वो और अच्छी करेगा मेरे से। एंड आपको मैं थोड़ा सैंपल दिखाता हूँ, थोड़ा समझना देखना कितना डिफरेंस होता है HDR वर्सेस नॉन HDR में, तो प्लीज़ ये वीडियो को एंजॉय करो। तो भाइयों आप देख सकते हैं ये दो इमेज हैं, एक विद HDR एक विदाउट HDR। एंड मैं आपको चीज़ बता दूं, मैंने दोनों इमेजों में जो घर है घर का गेट है इस पर फोकस किया था, एंड आप देख सकते हैं जिसमें मैंने HDR इनेबल किया है उसका जो सन है ऊपर देख सकते हैं कितना बढ़िया एक्सपोज हुआ है, एंड फोटो ब्राइट भी आई है, एंड कहीं से भी ओवर एक्सपोज नहीं हुई है। तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है HDR का वो यही होता है, आपकी जो लाइटनिंग है हर जगह बैलेंस हो जाती है, एंड डार्क शेडोज़ में हाइलाइट्स भी आ जाती हैं। ये इमेज मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। अगर आप देखेंगे HDR वाली इमेज, वहाँ पे आपको देखेगा जो वॉल है कितनी अच्छी तरीके से एक्सपोज है, एंड जो स्काई है वो भी एकदम ब्लू ब्लू दिख रहा है। बट जो हमारी विदाउट HDR वाली इमेज है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सारा ओवर एक्सपोज सा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा फ़ायदा है HDR का, सारी चीज़ें इतनी बढ़िया तरीके से एक्सपोज होती हैं, एंड डिटेल इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। ये वाली इमेज भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सी आई है, अगर आप HDR वाली इमेज देखेंगे जिसमें जो रोड है कितना अच्छी तरीके से उसकी जो हाइलाइट्स है वो मेंटेन है, एंड अगर आप ट्रीज़ में जो उसकी डार्क शेडोज़ को देखोगे उसमें भी कितनी बढ़िया तरीके से हाइलाइट्स मेंटेन करी हैं, एंड आप देख सकते हैं चाहे वो कार हो सब चीज़ इतनी बढ़िया लग रही है बहुत ज़्यादा। जब फर्स्ट टाइम मैंने ये वाली इमेज देखी थी ना तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था भाई इतना बढ़िया कैसे मैनेज किया सब कुछ। आप देख सकते हैं जो HDR वाली इमेज है उसमें जो रोड है एंड ऊपर जो स्काई स्काई तो वैसे दोनों में अच्छा विजिबल है, बट अगर आप रोड को देखेंगे एंड उसके बाद जो ये बंदा आ रहा है इसको देखेंगे एंड ओवरऑल सारी फोटो देखेंगे चाहे वो घर क्यों ना हो, जो लेफ्ट वाला राइट वाला दोनों ही घर ले लीजिए, इतनी अच्छी तरीके से हर चीज़ मैनेज है ना, बहुत बढ़िया, मेरे पास वर्ड्स नहीं भूलने के लिए। यह है मॉर्निंग की इमेज जब सनराइज हो रहा था, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो फोकस है वो फोकस किया था रोड पे, एंड आप देख सकते हैं जो सन है जो रोड है HDR वाली इमेज में इतनी अच्छी तरीके से मेंटेन है ना, खुद देख लो यार मैं बोलूँ क्या, आपको दिख रहा होगा सन भी एकदम बढ़िया दिख रहा है, एकदम पीला पीला एकदम मस्त लुक आ रही है, एंड रोड है वो भी एकदम क्लियर दिख रहा है। ये है हमारी लास्ट इमेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी ट्रीज़ की डार्क शेडोज है उनमें जो हाइलाइट्स हैं एंड जो ऊपर स्काई है एंड जो ये रोड है कितना बढ़िया यार, मतलब कि आप खुद देखो देखो भाई देखो, सच में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई वाली फ़ोटो, और ये मॉर्निंग की फ़ोटो फिर भी इतनी बढ़िया आ रही है। तो बस यही थी वीडियो, एंड मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड आप मुझे थोड़े खुश से लग रहे हो इसका मतलब पसंद आई है। प्लीज़ यार लाइक जरूर करके जाना, एक ही लाइक करना यार, क्लिक दबाना है, मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है इस लाइक से, बस लाइक जरूर करना वीडियो, एंड चैनल पहली बार आ रहे सब्सक्राइब कर देना, और फ्यूचर में काफ़ी मस्त मस्त वीडियो आने वाली हैं तो सब्सक्राइब करना भूलना मत, ठीक है ना, प्लीज़ कर देना। तो बस आज वीडियो यही थी, एंड हाँ एक और बात, शेयर भी कर देना प्लीज़, क्योंकि यार बहुत से लोग विदाउट HDR क्लिक करते हैं फोटोज़, अगर वो जान लेंगे कि भाई ऐसा होता है HDR से इतनी बढ़िया फोटोज़ आते हैं तो एंड वो भी HDR यूज़ करेंगे एंड वो भी अच्छे अच्छे फोटोज़ क्लिक कर पाएंगे, अगर आप चाहते हो तो उनको बता देना, आई मीन शेयर कर देना इस वीडियो को प्लीज़। तो बस मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, एंड अपना थोड़ा ख्याल रखें, घर से बाहर ना जाएँ और थोड़ा सेफ रहें, बाय।